कसमार के राज्य खाद्य निगम गोदाम में खादान जांच के द्वारा 2545 क्विंटल अनाज की कमी पाए जाने के बाद उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने जिले के सभी गोदामों की जांच करने का निर्देश जारी किया। इस आदेश के आलोक में आज चास अनुमंडल पदाधिकारी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने टीम के सदस्य आवासीय दंडाधिकारी मनीष वत्स और जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रकाश कुमार के साथ चंदन क्यारी प्रखंड के राज्य खाद्य निगम गोदाम की जांच शुरू की। जांच शुरू होने के बाद इससे जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया। जांच के दौरान गोदाम के सभी खदान को मिलान किया जा रहा है। गोदाम में रखे अनाजों की बोरियों को मिलाने का काम शुरू किया गया। इस दौरान FCI से आने वाले अनाज का रजिस्टर और उठाव रजिस्टर की भी जाँच की जा रही है। चास अनुमंडल पदाधिकारी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने कहा कि उपायुक्त के निर्देश पर जांच शुरू की गई है। सभी अनाज की बोरियों को भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। कागजात के मिलान के बाद वास्तविक स्थिति का पता चल पाएगा। चंदन क्यारी से बंगाल अनाज तस्करी के सवाल पर उन्होंने कहा कि जानकारी मिलने पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। आज यहाँ पे हमने चंदन क्यारी प्रखंड में हमारा जो गोदाम है ब्लॉक का, उसका निरीक्षण करना उपायुक्त महोदय के निर्देश पे एक 3 सदस्यीय जांच दल बना। उसके अंदर मैं अनुमंडल पदाधिकारी चास, मनीषा वत्स सिटी मजिस्ट्रेट और हमारे प्रकाश कुमार जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर हैं, हम तीनों ने प्लान किया और चंदन क्यारी प्रखंड में हम लोगों ने ये स्टॉक का मिलान कर रहे हैं। अभी ये प्रक्रिया जारी है, अभी वो जारी है प्रक्रिया, वो आपको कल हम लोग अलग से शेयर कर देंगे, अभी वो काउंटिंग जारी है। चंदन क्यारी में ऐसे भी बड़े पैमाने पर बंगाल चावल भेजा जाता है, ये भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे सर? इस संदर्भ में ये कहना चाहते हैं कि भैया आप हमको सूचना दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे।